तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फोटोशॉप में क्रैक स्किन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं सन फोटो स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको फोटोशॉप में फ़ोटो ओपन कर लेना है, उसके बाद हम जाएंगे उस बैकग्राउंड में। देखिए ये रहा वो बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड पे हमें फोटोशॉप में पहले ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड आने के बाद ये बैकग्राउंड हम कंट्रोल ए सी से कॉपी कर लेंगे, फिर इस फोटो में जाएंगे और फिर कंट्रोल ए वी से पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, उसका जो लेफ्ट साइड का बटन है वो दबाना है और यहाँ से डबल लेयर क्रिएट करने हैं। डबल लेयर क्रिएट करने के बाद इस लेयर को हाइड कर देना है और फिर अपना जो ओरिजिनल फोटो है उस पर डबल क्लिक करके लेयर बना लेते हैं। ये हो गया लेयर। अब हमें इस फोटो पर क्लिक करके इसको सेट कर लेना है। सेट करने के लिए आपको कंट्रोल टी करना है और देखिए यहाँ से आप ऑपेसिटी थोड़ी कम करना और देख लेना फोटो पर कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ये हो गया हमारा फोटो एडजस्ट। अब हमें इस फोटो को सेट करना है। देखिए ऐसे हम सेट कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके ऐसे पूरे जो बैकग्राउंड है इसको अपने फेस पर सेट करना है। देखिए कैसे मैंने पहले इसे सेट कर लिया। अब हमें करना है ओके प्रेस। एंटर प्रेस करने के बाद थोड़ी ऑपेसिटी बढ़ा लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा बैकग्राउंड सेट। अब हमें जाना है फिल्टर लिक्विफाई में। लिक्विफाई में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको शो बैकग्राउंड करना है और फिर यहाँ पे ऑल लेयर्स करना है। उसके बाद देखिए डेंसिटी यहाँ पर कितनी रखनी है आपके हिसाब से, और फिर आपको जो फोटो है उस पर ये सेट कर देना है। देखो ये हुआ है हमारा फोटो के ऊपर इमेज सेट। देखो अब हमें इसकी ऑपेसिटी बढ़ा लेनी है। ऑपेसिटी बढ़ाने के बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। देखिए ये हो गया हमारा स्किन का इफेक्ट अप्लाई। अब हमें लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद जो बाहर इफेक्ट आया है इसे पहले ब्रश से पूरा निकाल लेना है।
देखिए आपको ऐसे जिस पर मतलब आईब्रो पर जितने जितना भी इफेक्ट अप्लाई हुआ है आपको निकल लेना है पहले। फिर हम जाएंगे कर्व में। कर्व में जाने के बाद मैरिज डाउन, फिर हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद देखो इसको थोड़ा आपको आगे बढ़ाना है। इसको मैं डबल लेयर कर लेता हूँ और ये लेयर देखिए ये हो गया हमारा स्किन इफेक्ट अप्लाई। तो ऐसे ही फोटोशॉप रिलेटेड न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो साइट का जो बेल आइकॉन बटन है उसे भी दबा देना क्योंकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।